हरदोई के बेहटा गोकुल थाना इलाके में मवैया गांव में सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां पर एक पति ने मायके में रह रही अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी और भाग निकला। पुलिस ने मृतका की भाभी की तहरीर पर मृतका के पति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने इस घटना को किसी खास रिश्ते की वजह होना बताया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है। बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के मवैया गांव निवासी संगीता का विवाह लोनार थाना क्षेत्र के कोटरी गांव निवासी नीरू के साथ हुआ था। विवाह को 3 साल हुए हैं और इसी बीच अधिकतर संगीता अपने मायके में ही रह रही थी। पुलिस के मुताबिक नीरू कई बार पत्नी को विदा कराने के लिए गया, लेकिन पत्नी मायके से ससुराल नहीं आ रही थी। कई बार की जहमत के बाद आखिरकार उसके पति को क्रोध आ गया और अपने ससुराल गया। ससुराल में उसने अपनी पत्नी संगीता की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी और भाग निकला। इस सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर प्रभारी निरीक्षक राकेश चंद आनंद मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले पर मृतका की भाभी की तहरीर पर पुलिस ने नीरू के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। एएसपी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि पति का कहना है कि जब वो उसकी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और उसके बाद ही कार्रवाई होगी। साथ ही अतिशीघ्र आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बना के और सबने खा लिया और ये उसने खाई हुई लेट ट्रेवल की हुई है। ये कहीं तमाशा देखने जाने के लिए ये मोटरसाइकिल मांग रहे थे और पहले भी इन्होंने लड़की को परेशान किया मोटरसाइकिल नहीं मांगने के लिए। फिर लड़की को इन्होंने तंग किया, फिर लड़की की माँ और भाई गया उनको विदा करा के ले आए। अच्छा उसके बाद में फिर इनको बुलाया, भैया ऐसा है कि लड़की हम कपड़ों बैठा दे देंगे अपने ले जाओ। फिर ये लेना है कल परसों और रात में फिर इन्होंने गाड़ी मांगी। तब यह लड़की कहने की देखो घर में कोई है ना भैया वो है ना है और मोटरसाइकिल भैया हम ना थे भाई वो चाबी आप गाड़ी तई बजे सर आपको गला काट दिया। हत्या करने वाला है नीरू, नीरू इसका पति है और इसका इसके साथ में और भी था। बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र में एक मवैया गांव है जहां पे एक पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या की है और उसकी पत्नी का नाम संगीता करीब 30 वर्ष उम्र की थी रही होगी और बार बार उसको लिवाने जाता था, अपनी पत्नी को नहीं आती थी। तो बताया जाता है कि उसका यह कहना है कि जब यह मेरी नहीं है तो किसी और की भी नहीं हो सकती है। इस बात को कहते हुए उसने उसका गला धारदार हथियार से रेत दिया। उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और पूरे प्रकरण में FIR दर्ज करके कार्रवाई कराई जा रही है। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।